हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं धन्यवाद देता हूं इस रंगमंच का, जैसे कपिल भाई ने कहा कि सब गरीबी से आए हैं, तो हम लोग स्टार बनने के बाद हमने सब हर कंट्री में गए। हम लोग हमने बड़ी बड़ी फ्लाइट पकड़ी, जहां पे कोई कभी हमारे बाप दादा नहीं गए वहां गए हम। आप लोग भी फ्लाइट में बैठे होंगे, जो नहीं बैठा मैं उनको बैठा देता हूं। अभी ऊपर ही है, पैसेंजर सब ऐसे है। अच्छा अभी फिर एक आवाज दीजिए, सब बेल्ट खुल दे। अच्छा, एक आज तक किसी के बाप को समझ में नहीं आया, एक आवाज है जो फ्लाइट उड़ने के दो चार घंटे के बाद पायलट एक अनाउंसमेंट करता है। खाली एक समय में लास्ट में बोलता है हेवन एस फ्लाइट। अब मैंने ऐसी आइटम बनाया कि जो जिस कंट्री का मुझे लगता है कि उसकी एयर होस्टेज वैसी होगी, जैसे अमेरिका लंदन ये बहुत पैसे वाले, तो उनके जो एटीट्यूड होगा उनका, जो मतलब अनाउंसमेंट की एटीट्यूड, यहाँ तक एयर होस्टेज भी एटीट्यूड में सबसे अच्छी जो अरब कंट्री की, देखिए ऐसा लगता है कान में बात कर रही है। मरहबा वहनिया तना कमो शिंगला आम हवीरता शिफा अखनिया पैसेंजर सारे उसके बाद अब जब थाईलैंड तो सभी गए होंगे जी, गए सब, मानता कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग कभी शॉपिंग के लिए बाहर जाते, थाईलैंड में बाहर जाते हैं। अब इंडिया में देखो, आप कोई अगर कोई शॉपिंग करो, कितने का है? 200 का है। 100 में देना, अरे चल आगे चल। लेकिन वहां पर हाउ मच? 200 बात 100 नो 200 बात प्लीज 100 नो। फिर कैलकुलेटर निकालती है, only for you. But India, Indian, only for you. 190. अब इंडिया में आइए, आप इंडिया की कोई भी फ्लाइट में बैठिए, आप जैसे लैंड हुई, नमस्कार, दो द्वारा के सर बैठ जाइए सर। सर 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 बैठ जाइए सर, प्लीज सर। हेलो हेलो, बैठ सर, सर बैठ सर, प्लीज सर बैठ जाइए सर, सर बैठ जाइए सर। पता नहीं सबको क्या खाई होती है, खाई होती। अरे बस एक ही है भाई, सब एक बस में जाने वाले। ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे, वो बात अलग, कपिल भाई अलग जाते। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए वीआईपी भाई के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, हमारे ख्याली साहब। राजू भाई मुझे मिले थे 2005 में पहली बार चंडीगढ़, सुनील पाल जी और साथ में आए थे एहसान भाई भी, जब लाफ्टर चैलेंज के बाद चैंपियन शुरू हुआ था। तो मैंने कहा भैया मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लाफ्टर चैलेंज 2 के लिए, मुझे बुलाया। बोला अरे तू तो चैंपियन बनेगा, तो पक्का जीत के आएगा। एक ना राजू भाई का जो स्टाइल था, हर छोटी छोटी चीज में से कैसे ऑब्जर्वेशन निकालते थे। तो पिछले दिनों में गांव गया ना, तो मेरे को वही चीज याद आ रही थी कि यार राजू भाई होते ना तो इन सब चीजों से कैसे कैसे वो आइटम बना लेते। तो कुदरती है ना, हमारे गांव में अंग्रेज आए हुए थे 5-7 घूमने के लिए, तो गांव वालों ने मेरे को धक्का मार के आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको स्पीको। अब हम लाफ्टर वाले जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन स्पीके क्या, हमारी एबीसीडी कमजोर है। तो बोले स्पीक दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब अंग्रेजनी ने
सबसे पहले वो ही पूछा जिसका मुझे डर था, व्हाट इज योर नेम? अब मैं क्या बताऊं, फोन आता है, कौन बोल रहा है? मैं ख्याली। कौन? ट्राली। मगर नहीं भाई साहब, ख्याली। ख्याली तो दो तीन बार तो वो अंग्रेजी ने भी वो पूछा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ख्याली। काली। मगर काली नहीं बहन जी, है ये आगे डंडा ले की मात्रा ख्याली। काली। मगर ठीक है, काली। किसने रखा ये नाम? मगर नाम कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी। ओके नाइस, तुम पैदा कैसे हुए? मैम का कैसे में क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है? मतलब नो नो, आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? मगर जी मैं राजस्थान। बोला नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पूर्ण नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोला नो नो, पैलेस। पैलेस कौन सी जगह पे पैदा हुए? तो मगर जी चारपाई। भाजी चारपाई। अब फिर मेरे दिक्कत में, चारपाई की अंग्रेजी क्या बनाऊ? प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई। मगर चारपाई इज देसी बेड विद फोर पावर चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन ढीली होइंग फादर आइंग कसिंग 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 दिस इज चारपाई। ओके, तुम कितने बहन भाई हो? अब मेरे को गांव वालों ने कहा था चक्के रखना काम, अंग्रेजों से दबना नहीं है। कितने बहन भाई? मगर 12। 12? फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। बोले 12? मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे दो ही अच्छे? मगर सही बोलते हैं भी, 12 में से दो तो अच्छे निकल आएंगे। तो मेरी माँ गर्म हो गई, क्या कर रहा है, एक घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है बेचारों को, कोई चाय नहीं पूछा, कोई नाश्ता नहीं पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे ही वो बाजरे की रोटी सरसों का साग उनको दिया, वो अंग्रेज नाचने लग गए। ओ वाह, सिमट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती, ये ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो घास, वो साग था ना, वो तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही, आंटी प्लेट का रखूं? आंटी प्लेट का। अच्छा भैया, वाह। मकाई। वाह वाह, क्या बात। तो बोली आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो आपको गांव दिखा लेता हूँ। हमारे गांव के ना पीछे रेलवे लाइन निकलती है, तो सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ काफी लोग ऐसे रेलवे लाइन पे डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? मगर यार देश की बेइज्जती हो रही है, गांव की बेइज्जती। चलो मगर मैं आपको कालीबंगा दिखाता हूँ। नो नो, टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये आइटम मैंने बहुत पहले राजू भाई को सुनाई थी, तो राजू भाई ने इसमें ऐड किया कि ये दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हैं, कि ये सुबह सुबह यहाँ बैठ के फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। जीवन में जो एक तरह से राजू भाई से सीखने का ये मिलता है कि हमेशा हम हंसते रहें, खुश रहें। देखो टेंशन तो हर चीज के इंसान के दौर में, जीवन में आती है। मैं भी सब जो कपिल भाई ने बताया ना, सब गरीब गुजारे से निकले। पहली नौकरी मेरी स्विमिंग पूल पे चौकीदार रहा, फिर मैंने 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी की। अब जब सब सेट हो गया कि मैं कपड़ा मिल में नौकरी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया। 13 जगह से टूटा ये। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। तो मैं मेरे को हर 7 दिन खोल लेते थे, सरिया लगाना है भाई साहब, यहाँ पेच लगाने हैं, मगर लगाओ मैं बेला ही हूँ। तुम काम सीखो, किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं मेरे हाथ में इतना प्लास्टर, सारा दिन हॉस्पिटल में, और मेरे सारा भूख लग रही है, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं अपने आप को समझाता था, आए रखिए, जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या व्याख्या, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका, अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे
ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थर थराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। काली भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू राजू भाई, आपकी यादें आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा आज के इंस्टीट्यूट के लिए। थैंक यू कपिल भाई कि इस तरह का आयोजन किया आपने। थैंक यू राजीव भाई, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, इन्होंने राजू भाई के लिए भी बहुत साल बहुत सारी चीजें लिखी हैं। राजीव भाई कुछ आपके अंदाज में हो जाए कुछ। राजू भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा, कानपुर से हम और राजू भाई दोनों नेबर पड़ोसी बचपन से हम देखते आए हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारी यादें, लेकिन उनकी सबसे खास बात जो थी कि वो अपने यहाँ की जो बोली भाषा थी हमारे यहाँ की अवधि भाषा, उसको यहाँ पर लेकर के आए और उस अवधि भाषा में कई बार परफॉर्म करते थे। मुझे थोड़ी सी बोलने में हिचक लगती थी कि पता नहीं यहाँ के लोग उस भाषा को समझेंगे या नहीं समझेंगे, और जैसा कि अब ये कुत्ते वाला मैटर बताया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वो बोल करके बताते थे करते थे। अच्छा उनका उधर छोटा जोक भी होता था ना उनका, जिस जोक में हमको लगता था यार तो बहुत मामूली सा जोक है, उसमें भी बड़े ठहाके लगवा देते थे। कभी कभी वन लाइन के जोक कि एक सुखी पति था। क्या बात है, बाल अच्छे, किसका था पता नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक महिला को मैंने देखा, उनके चार बच्चे, लेकिन चारों बच्चों के बीच में पांच पांच साल का गैप था। तो मैंने उनसे पूछा कि पांच पांच साल का गैप हर बच्चे में कैसे मेंटेन किया आपने? तो बोले मेरे पति MLA हैं। पांच साल में एक ही बार आते हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा ये बीच वाला, ये ढाई साल का बच्चा, ये कैसे? बोले कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।